आप भी चाहते हैं कि आपके सिर्फ हेडशॉट ही लगे और मैं गारंटी देता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आप 20 में से 20 रूम जीतेंगे। और क्या आपको पता है कि हमारी गेम में एक न्यू ईवो गन आने वाली है? और क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है यहाँ पर गन्स वाले सेक्शन में कहीं पर M10 बनी हुई है, कहीं पर MP5 बनी है, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में जानेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी गेम में ईवो गन कौन सी आने वाली है। तो हमारी गेम में ईवो गन आने वाली है जो कि G18 ईवो गन होगी एंड आपको स्क्रीन में शो हो रही है कि ये किस तरह है और इसका इमोट किस तरह है। तो ये मीना सर्वर में आ चुकी है एंड कुछ टाइम तक हमारे सर्वर में भी आ जाएगी। तो अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड में ये जितने भी शॉर्ट गन वाले में आपको M10 शो हो रही होती है एंड आपको MP5 भी ऊपर शो हो रही होती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि SMG वाली गन्स में आपको MP5 शो हो रही है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि MP5 गेम में सबसे पहले आई, एंड M10 शो हो रही है तो इसका मतलब यही है कि M10 गन पूरी गेम में सबसे पहले आई थी एंड देन शॉर्ट गन की बाकी गन्स आई थी। तो लास्ट में बात करते हैं कि आप 99% एक्यूरेट कैसे हेडशॉट मार सकते हैं। देखिए, ये क्राफ्टलैंड का मैप है, इसमें आप एक ऐसी ट्रिक यूज कर सकते हैं जिसको आप यूज करने के बाद आपके 99% एक्यूरेट हेडशॉट लगेंगे और सामने वाला जो प्लेयर होगा उसकी फेयर गेम होगी एंड सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह आप किसी भी बंदे को रूम हरा सकते हैं।